सुनसान जगह के एटीएम को काटकर लूटने वाले एक मेवाती गैंग के बदमाश को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ये गैंग सुनसान जगह पर मौजूद बिना गार्ड वाले एटीएम को निशाना बनाते थे। गिरफ्तार बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल खान के रूप में की गई है। पुलिस को डाबड़ी में हुई लूट के एक मामले में इसकी तलाश थी। पुलिस अब तक मेवाती गैंग के लगभग 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे एटीएम काटने की वारदातों में कमी दर्ज की गई है। एटीएम को काटकर लूटने के दो मामलों में 8 महीने से अधिक समय से फरार मेवात निवासी वांटेड क्रिमिनल राहुल खान की मूवमेंट के बारे में स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में स्पेशल सेल सदर्न रेंज के इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मेवात निवासी एटीएम रॉबर वांटेड क्रिमिनल राहुल खान व उनके साथियों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। लगभग 2 महीनों के एफर्ट्स के बाद जांच टीम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हाथ लग ही गई। इंस्पेक्टर शिव कुमार को एक मुखबिरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि एटीएम रॉबर वांटेड क्रिमिनल राहुल खान मेहरौली गुड़गांव रोड कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास अपने किसी जानकार से मिलने आएगा। जांच टीम ने बताई गई जगह पर अपना जाल बिछाया। रात करीब 10:45 राहुल खान को स्पॉटेड किया गया। टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 0.315 की एक सिंगल शॉट पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राहुल खान मेवात बेस्ड इंटरस्टेट रॉबर्स गैंग का एक्टिव सदस्य है, जो दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों में सुनसान जगह के एटीएम को काटकर लूटने के मामलों में वांटेड था। गिरफ्तार राहुल खान पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। राहुल खान ने इंटेरोगेशन में बताया कि मेवात में जाहिद नामक व्यक्ति रॉबर्स गैंग चलाता है और वह भी उसके गैंग का मेंबर है। आगे की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो वर्ष 2020 में दिल्ली और महाराष्ट्र में एटीएम तोड़ने और नकदी निकालने के 2 मामलों में वांटेड था। ऐसे ही एक मामले में राहुल ने 2 कार सेंट्रो और स्विफ्ट में अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर डाबड़ी इलाके में एटीएम को तोड़ा था। इस एटीएम से 19,14,000 रुपए लेकर वो 6 दिसंबर 2020 में फरार हुए थे। राहुल खान की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दूसरे मामले में राहुल ने 6 साथियों के साथ महाराष्ट्र में एटीएम से 25,00,000 रुपए लूटे थे। राहुल खान ने वर्ष 2020 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक ट्रक की मदद से महाराष्ट्र के पिंपरी में एक एटीएम तोड़कर 25,00,000 लेकर फरार हो गया था। क्रिमिनल्स की मोडस ऑपरेंडाई सुनसान जगह पर मौजूद बिना गार्ड वाले एटीएम को टारगेट्स करना था। ऐसी जगह चिन्हित करने के बाद एटीएम में जाकर सीसीटीवी पर काला पेंट कर देते थे ताकि चेहरे न दिखे। इसके बाद एटीएम काटकर फरार हो जाते थे। स्पेशल सेल सदर्न रेंज टीम ने पिछले 1 साल के दौरान दिल्ली एनसीआर में सुनसान जगह के एटीएम को काटकर लूटने की वारदातों में 3 अलग अलग मेवात बेस्ड गैंग्स के 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसके चलते एटीएम तोड़ने की वारदातों में कमी दर्ज की गई है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।